For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. मेरा नाम डॉक्टर साजिद नज़ीर भट्टी है. मैं प्रोफेसर ऑफ न्यूरोसर्जरी हूँ और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद में. प्राइवेटली मैं मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल G8 मरकज में अपनी कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूँ मरीजों को. स्पेशल जो इंटरेस्ट है मेरा वो वैस्कुलर न्यूरोसर्जरी पे है. मसलन मरीजों को ब्रेन हैमरेजेस हो जाते हैं तो उनकी जो ट्रीटमेंट है वो वैस्कुलर न्यूरोसर्जरी कहलाती है और उसमें मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है. मैंने बेसिकली फेलोशिप और मास्टर्स पाकिस्तान से की. उसके बाद मैंने मल्टीपल फेलोशिप्स की हैं जो कि अमेरिका से की हैं, जर्मनी से की हैं और ऑस्ट्रेलिया से. और मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने इस वक्त दुनिया की जो लिविंग लेजेंड्स ऑफ न्यूरोसर्जरी हैं उनके साथ मेरी मुलाकात है और वो फेलोशिप्स में उनके साथ मैंने ट्रेनिंग की है. इस तरीके से मैंने उनसे एक एक चीज़ सीखी है और अल्लाह की मेहरबानी से वो चीज़ें हम यहाँ पे इस मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल में करते हैं. अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज़ायद स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात. इक्विपमेंट हमारे पास अल्लाह की मेहरबानी से लेटेस्ट है, जिसमें हमारे पास माइक्रोस्कोप है और एक मशीन होती है जिसको क्यूसा कहते हैं, जो कि ब्रेन ट्यूमर्स को सक करने में, उनको तोड़ के उनको सक करने में वो स्पेशल हेल्प करती है. वो मशीन है हमारे पास. इसके अलावा हमारे पास न्यूरो नेविगेशन सिस्टम है. ये बड़ी लेटेस्ट चीज़ है. इसमें मरीज की तमाम जो इंफॉर्मेशन होती है वो सीटी स्कैन या एमआरआई की शक्ल में हो उसको हम उस मशीन में फीड कर देते हैं. फिर वो मशीन जो है वो मरीज को रिकग्नाइज कर लेती है कि जो पेशेंट सामने लेटा हुआ है उसी का डेटा मेरे अंदर. लिहाजा जब आप उसके पास वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर पॉइंटर लाते हैं तो उस मशीन की स्क्रीन के ऊपर आपको उसकी सारी जो डिटेल है वो नज़र आती है. उसके जो सीटी स्कैन या एमआरआई की जो इंफॉर्मेशन हमने उसमें फीड की हुई है वो सामने नज़र आती है. उसके साथ एक तो एक्यूरेसी ऑफ रीचिंग टू द ट्यूमर जो है वो बहुत ज़्यादा होती है कि आप इंतहाई एक्यूरेसी के साथ उस रसौली तक जो उसके दिमाग में है उस तक पहुँच सकते हैं और आप वो तमाम बड़े बड़े जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं दिमाग के उनको अवॉइड कर सकते हैं. छोटा ऑपरेशन कर सकते हैं उसके साथ और टू द पॉइंट करते हैं. इसको नेविगेशन सिस्टम कहते हैं. वो भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है इस हॉस्पिटल में मैक्स हेल्थ में, जिसके ज़रिए हम ये सर्जरी वगैरह कर सकते हैं. देखें, बात यह है कि स्पाइनल सर्जरी के बारे में बहुत सी मिथ्स लोगों के जहन में पाई जाती हैं और जिस मरीज़ को भी बताया जाता है कि जी आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है तो वो फौरी तौर पे सबसे पहले तो यही कहता है कि डॉक्टर साहब हमने तो सुना है कि कमर का ऑपरेशन बड़ा ख़तरनाक होता है. हालांकि ऐसी बात नहीं है. न्यूरोसर्जन का काम ही ये है, उसकी ट्रेनिंग ही जो है तो वो इन स्पेशलिटीज़ में होती है. इसलिए अगर न्यूरोसर्जन स्पाइन का ऑपरेशन करता है तो उसमें अमूमन कामयाबी होती है अल्लाह की मेहरबानी से. मोर देन 95-96% पेशेंट्स जो हैं वो ठीक होते हैं और बाकी 3-4% अगर कोई फेलियर है या कॉम्प्लिकेशन है तो वो किसी भी ऑपरेशन में है. ज़रूरी नहीं कि वो स्पाइन की सर्जरी में हो. यानी अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी बाज़ औक़ात जो है तो वो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन कर देता है, जो कि सबसे सिंपल ऑपरेशन समझा जाता है. तो लिहाजा स्पाइन में सर्जरी जो है वो कामयाब है उसी सूरत में कि अगर वो एक तो न्यूरोसर्जन करे, नंबर दो पेशेंट को 100% उस ऑपरेशन की ज़रूरत हो. अगर बग़ैर ज़रूरत के ऑपरेशन किया जाएगा तो मरीज़ के सिम्टम्स ठीक नहीं होंगे, उसकी तकलीफ़ दूर नहीं होगी और वो फिर बार बार यही कहेगा कि जी मैं तो ऑपरेशन करा के फंस गया. हालांकि उसमें सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट जो है वो मेन आइडिया है कि वो दुरुस्त होनी चाहिए. तो अगर वो दुरुस्त है तो स्पाइन के ऑपरेशन जो हैं वो बहुत कामयाब हैं अल्लाह की मेहरबानी. बहुत सारे स्पाइन के बीमारियां होती हैं जिनके लिए स्पाइन के ऑपरेशन किए जाते हैं. उनमें जो सबसे कॉमन है वो शियाटिका है, जो कि उर्फ आम में जिसको रग नसा का दर्द कहते हैं उसके पेशेंट्स होते हैं. लेकिन उसमें भी तकरीबन
20-30% लोग ऐसे होते हैं कि जिनको दवाइयों के साथ थोड़ा रेस्ट के साथ ये तकलीफ दूर हो सकती है, लेकिन 70% तकरीबन मरीजों को बाज़ औक़ात ऑपरेशन करवाना पड़ता है। अगर तकलीफ जो है तो वो एक महीने से ज़्यादा चले और वो दवाइयों के साथ आराम के साथ बेहतर नहीं हो रही हो तो फिर ऐसी सूरत में उसका ऑपरेशन किया जाता है। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज़ायद स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें। कमर दर्द के मरीजों के लिए बहुत अहमियत रखता है और उनको हमेशा हम ये एडवाइस करते हैं कि जब आप बैठें तो हमेशा कुर्सी पे बैठें टेक लगा के, बगैर टेक के नहीं बैठें। उसमें भी ये है कि बॉडी के साथ अपर बॉडी का जो है तो 90 डिग्रीज का एंगल बनना चाहिए, यानी पीछे होके कुर्सी पे बैठें टेक लगा के। तो उसके साथ ये है कि वो जो आपकी बॉडी का अपर बॉडी का जो लोड है वो कुर्सी के साथ शेयर हो जाता है और वो ज़्यादा लोड जो है आपके उस हिस्से में नहीं पड़ता जिस हिस्से में कि ज़्यादा दर्द हो रहा था। क्योंकि अगर आप ऐसे लीन करके बैठेंगे या आगे झुक के बैठेंगे तो उसके साथ तकलीफ बढ़ जाती है, क्योंकि वो जो बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज हो जाता है और उसके साथ जो अपर बॉडी का जो वेट है वो लोअर बॉडी के ऊपर ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से फिर ये तकलीफ होती है। इसलिए पोस्चर बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे वो लोग जो कंप्यूटर वगैरह ऑपरेट करते हैं और उनकी जॉब इस किस्म की है, उनको स्पेशली इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा उन लोगों के लिए गर्दन में भी तकलीफ के बड़े मसाइल होते हैं, क्योंकि वो बार बार कंप्यूटर की तरफ ऐसे नीचे झुका के गर्दन देखते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके गर्दन के पट्टे जो हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता थक जाते हैं और थकने के बाद उनमें दर्द शुरू हो जाती है। इसलिए ज़रा गर्दन को न्यूट्रल पोजीशन में रखना चाहिए और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जो हम मरीजों को बताते हैं गर्दन के लिए या कमर के लिए वो करते रहना चाहिए। बात यह है कि न्यूरोसर्जरी में ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं वो मेडिकल स्पेशलिस्ट या जनरल सर्जन या दूसरी स्पेशलिटी वाले लोग जो हैं वो रेफ़र करते हैं, और उस वक्त रेफ़र करते हैं कि जब वो डायग्नोस कर लेते हैं कि इस मरीज़ को कोई इस किस्म का इशू है कि जो न्यूरोसर्जन ही उसको डील करेगा। इसके अलावा अगर किसी मरीज़ को कमर में दर्द है, किसी को सर में दर्द है, किसी की एक साइड कमज़ोर हो रही है, पैरालाइज हो रही है, या किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, इस किस्म के मरीज जो हैं उनको न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा जो मरीज़ अचानक बैठे बैठे बेहोश हो जाते हैं, बाद में सीटी स्कैन किया पता चलता है कि जी उनको ब्रेन हैमरेज हुआ हुआ है, तो इस किस्म के मरीज़ जो हैं उनको भी न्यूरोसर्जन से कांटेक्ट करना चाहिए। मेरी अपॉइंटमेंट जो है वो मरहम ऑनलाइन से बहुत आसानी के साथ बुक हो सकती है। आपने नेट पे जाना है, मरहम को उसके ऊपर तलाश करना है और उनको रिक्वेस्ट करनी है। उसमें आपके साथ मरहम वाले जो हैं वो अपने नंबर्स वगैरह भी शेयर करते हैं, जिसके साथ आप डायरेक्ट उनको कॉल भी कर सकते हैं और इस तरीके से आप मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज़ायद स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।